हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के सिलेबस की। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, डेट शीट आ गया, सबको पता होगा। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पीछे के सिलेबस इन्होंने काफी सारे चेंजेस कर दिया, नए टॉपिक्स बहुत सारे ऐड कर दिए हैं। जैसे लास्ट टाइम का सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें बल्कि कम कम टॉपिक था, जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, पोलर हो गया, ये 3D हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स बढ़ा दिए हैं, तो आपके लिए कंपटीशन और भी चैलेंजिंग हो गया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें पूरा इन्होंने नया टॉपिक ये सब कुछ ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक हिंट बताता हूँ कि आपको डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कृष्णा पब्लिकेशन का एक आता है डिफरेंशियल कैलकुलस करके, वहां से सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाएंगे एक ही बुक से, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उसमें दिया हुआ है, तो आप वहां से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 2D एंड 3D, ठीक है। तो जैसे जो जयपुर साइड के हैं, तो जयपुर में एक आता है जयपुर पब्लिकेशन का बुक, उसमें सारे वहां के सिलेबस में मेंशन रहते हैं, ये आप उस बुक से इजीली समझ सकते हैं। बाकी आप देख रहे होंगे आपके 2D में ये पोलर इक्वेशन, टेंजेंट, नॉर्मल, एसिम्प्टोट, कॉर्ड, एक्सिलरी, डायरेक्टर सर्किल, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ जनरल कॉनिक्स, सेंटर एसिम्प्टोट, इसेंट्रिसिटी, ये सारे नया टॉपिक एड कर दिया था। ये इवन जो आप 12th क्लास का एक सीनेज का बुक आता है जिसमें जेई के लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उससे भी इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 3D। 3D का भी बहुत सारे बेसिक्स बुक हैं जो 12th क्लास से जो रिलेटेड है, जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, उससे इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें अच्छे कॉन्टेंट दिया, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस में वही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंट, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये आप कैलकुलस में भी इसको पढ़े होंगे। एंड देन देयर आइडेंटिटीज एंड बहुत सारे रिलेटेड थ्योरम्स हैं, फिर गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो ये वाला, इसके लिए मैं हिंट बताता हूँ, जो आपने गेट का प्रिपरेशन के लिए यूज किया होगा ना, ठीक है, ये देख रहे होंगे ये गेट का ही सब सिलेबस है, जेएम का गेट का सिलेबस है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन ज्यादा इसमें, देखिए सिलेबस इतना भले मेंशन कर दिया, बट क्वेश्चन मोस्टली इसी पोर्शन से आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ODPD की बात करते हैं, तो ODPD में कोई ज्यादा दम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं PDE लेता हूं, तो PDE में जो आपने गेट के लिए प्रिपरेशन किया होगा, तो जो फर्स्ट सेक्शन है, मतलब जहां पे आप चार पीट वाले क्लेरेट फॉर्म वाले यूज करते हैं, लिनियर और नॉन लिनियर के लिए आप लैग्रेंज इक्वेशन वगैरह से यूज करते हैं, बस वहीं तक इसके सेक्शन में। गेट में आपका ये मोंगेज मेथड मेंशन नहीं है, इसमें एक मोंगे मेथड बना दिया, तो ये पूरा कॉन्टेंट मैंने भी बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया है। एक वीडियो जो फर्स्ट वीडियो, उस वीडियो में आपका यहाँ तक चार पीट तक कवर्ड हो गया, मूंगेज मेथड नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मूंगे मेथड पे आपको वीडियो बना दूं। तो ये मुश्किल से इतना कंटेंट आप 2 to 3 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। और मैंने मेरे नोट्स में जो लास्ट स्टार्टिंग के जो है 30 to 40 पेज विद एग्जाम्पल्स है, ठीक है। मगर अगर आप सिर्फ थ्योरी की बात करें, तो आपका 10 to 15 पेज में थ्योरी कवर्ड हो जाएगा। उसी तरह हम ODE की बात करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें बस फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशंस एंड ए कुछ टोटल डिफरेंशिएशन एंड ये भी आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। विथ कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल, विथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के साथ दिया हुआ। नेक्स्ट हम बात करते थे मैकेनिक्स है, तो जो लोग नेट के लिए मैकेनिक्स का प्रिपरेशन किए होंगे, उनका इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं। मैकेनिक्स में भी एज यूजुअल है, जो नेट के रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल उसी टाइप का पैटर्न है। और जैसे एब्स्ट्रैक्ट एंड लिनियर अलजेब्रा की बात करते हैं, तो एज यूजुअल इसमें वही लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने ग्रुप में भी पहले शेयर किया था। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको वही ग्रुप थ्योरी का पूरा पोर्शन ले लीजिए, उसमें आपका हो गया नॉर्मल, सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, होमोमोर्फिजम, आइसोमोर्फिजम, फाइनाइट ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन, कोसी थ्योरम एंड रिंग थ्योरी में उधर आ जाए, जो एक मैंने फेपो आईडी बनाया था, आप मैक्सिमम वहां तक कवर कर लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होगा, तो मैंने एक फेपो आईडी पे वीडियो बना रखा है, ठीक है। इससे आपको बहुत सारे, इसमें लगभग 20 to 30 रिजल्ट इसके अंदर कंक्लूडेड है, तो आप वो देख सकते हैं। और बाकी आप इसका क्विक रिविजन भी कर सकते हैं, तो इससे हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन करिएगा। लिनियर अलजेब्रा में आप जो नेट गेट का प्रिपरेशन किए उतना सफिशियंट है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि उसमें आपने ज्यादा पढ़ लिया है, इसमें कम ही पढ़ना है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसको लगा सकते हैं। आपका इसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड और पूरा ए स्टार्टिंग वेक्टर स्पेस से दिया, बट क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स वाला आने चाहिए आपको। जैसे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हम किस टाइप से निकालते थे, केयले हैमिल्टन थ्योरम क्या था, जो उसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी कोई खास नहीं है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एनालिटिक फंक्शन से, कोसी थ्योरम से, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, पावर सीरीज, लोरेंट सीरीज, सिंगुलरिटी एंड थ्योरी ऑफ रेसिड्यू,
कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंटर इंटीग्रेशन, इस टॉपिक से आपको पूछा हुआ है। तो एक प्रगति पब्लिकेशन का बुक आता है फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समथिंग करके, ऐसे है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल करके, उससे या फिर जयपुर पब्लिकेशन का जो बुक आता है जो वहाँ के लोकल ऑथर्स का लिखा हुआ, बहुत अच्छा बुक है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपका ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये बात हम कर रहे थे पेपर वन की, ठीक है, पेपर वन का सिलेबस था। अब हम बात करते हैं पेपर टू का सिलेबस। पेपर टू के सिलेबस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्पेशल फंक्शन, तो स्पेशल फंक्शन का मैंने नोट्स ग्रुप में शेयर किया था, आप वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। और मैंने वैसे भी एक स्पेशल नोट्स बनाया हुआ है स्पेशल फंक्शन का, आपका स्पेशली अगर ऑब्जर्व करें लास्ट एग्जाम में तो 20+ क्वेश्चन आया हुआ इस टॉपिक से, ठीक है, मतलब इसको प्लस ओडी मिला लीजिए तो इतना क्वेश्चन आया हुआ, तो आप अब बहुत ईजी है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है इसमें, कुछ आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप इसके फॉर्मूला होते हैं हाइपरजोमेट्रिक या फिर बेसल लेजेंडर, इनके कुछ फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न को आप फॉलो करिएगा डायरेक्टली हो जाएगा। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की, इसमें ये लैपलास, लैपलास इनवर्स, फूरियर, फूरियर इनवर्स, ये सारे हैं, तो आप इनको प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। एंड आपका आता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन में जो नेट वाला आपने पढ़ा बस ये नेट के लिए उतना सफिशियंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, फ्रेडलम, वोल्टेरा एंड सोल्यूशन बाई सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है इंटीग्रल इक्वेशन का, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, बट रिक्वायर्ड होगा तो आप बताइएगा तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं ये सारा अवेलेबल है, ठीक है। वोल्टेरा वोल्टेरा सब कैलकुलस और वेरिएशन का भी पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें मतलब ये आप 2-3 आवर में कंप्लीट मेरी वीडियो से, और ये भी मान लीजिए 2-3 आवर इतना में, मतलब ये आपका एक दिन में पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। कौन से प्रॉब्लम एंड करेक्टरिस्टिक जो हमने जो चार्टपीट वाला पढ़ा था ना, उसके जस्ट बाद ए वाला टॉपिक शुरू होता है, तो एपीडी का पोर्शन है कौन सी प्रॉब्लम एंड करेक्टरिस्टिक, ये स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम, ये आपने पढ़ा हुआ ग्रीस फंक्शन, ये आपका ओडी का पोर्शन है, बाकी ओडीपीडी का मिक्स है, तो ये भी आप इजिली कर सकते हैं। ये पूरा सेक्शन प्रिपेयर करने में आपको 2-3 आवर लगेगा, इतने में आराम से कर सकते, अगर आप वर्स्ट भी प्रिपरेशन करते हैं ना तो आपका एक दिन में पूरा टॉपिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक स्पेस की, तो मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी मिला के जो सीसीआर नेट एंड गेट का सिलेबस है उतना सफिशियंट है, अगर आपने उसमें किसी का भी प्रिपरेशन किया तो बहुत इजी हो सकता है। बाकी जैसे मैंने एक वीडियो मैट्रिक स्पेस पर शेयर किया हो तो उसमें कुछ ट्रिक्स का बात किया है कि आप कैसे देख के बता देंगे कौन सा मैट्रिक होगा नहीं होगा, कौन कंप्लीट होगा कौन कंपैक्ट होगा, तो इस टाइप का भी ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं आता है, तो आप फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट इधर ये टोपोलॉजी का थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होगा तो ही इधर आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज आपका गलती होने की ज्यादा संभावना इस पोर्शन में रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, फिर टेंसर है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो लोग एमएससी में पढ़ेंगे वो समझ रहे होंगे इसको अच्छे से, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको स्किप कर देना, ठीक है, आप प्रॉब्लम देख लेना, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है आपका टेंसर, ठीक है, टेंसर एंड मैकेनिक्स, तो इसमें भी सिमिलर टू डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, अगर आपका मैकेनिक्स पोर्शन अच्छा है, मतलब आपको फिजिक्स वगैरह थोड़ा सा अच्छे से आता है, तो आप टेंसर मैकेनिक्स वाला पोर्शन अच्छे से कर सकते हैं। ये आपका इजी है, आप डी-लैम्बर्ट प्रिंसिपल, मोमेंट मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कैलकुलस और वेरिएशन में आपने पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल उसी टाइप का है मैकेनिक्स के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आपको अगर ज्यादा समझने में दिक्कत होगी तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलस और वेरिएशन के फॉर्मूला से रिकॉल करा सकते हैं, उसी को रिलेट करके आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये आपने जो गेट का आपने स्टडी मटेरियल तैयार किया होगा या गेट के लिए आपने जो भी पढ़ा होगा सारा उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल रिसर्च में भी इस बार टॉपिक बढ़ा दिया, पिछला बार गेम थ्योरी तक था 2% समझिए, तो मैंने यहाँ तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है, अब यहाँ के बाद ये इन्होंने नया टॉपिक ऐड कर दिया इस बार फिर से, तो आपको इतना एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ सकता है, तो आप देख लीजिएगा ये गेट वाला सिलेबस इन्होंने बढ़ा दिया है। ओके, और लास्ट में मैथमेटिकल स्टैटिक्स, मतलब इन्होंने प्रोबेबिलिटी का भी पोर्शन जोड़ दिया है, तो देख लीजिएगा ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे मेरा जो प्रोबेबिलिटी का नोट्स था उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही मैंने कलेक्ट किया और मैंने डिस्कशन नहीं किया, तो आप वहां से या फिर कोई बहुत सारे बुक्स आते हैं आप उससे हेल्प ले सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इवन तो यूट्यूब भी बहुत लोगों ने बहुत सारे वीडियोज बनाया था, आप वहां से भी इसका हेल्प ले सकते हैं। आप लास्ट ये ध्यान रखेंगे इसका कि पूरा पैटर्न क्या है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया 75 मार्क्स का होगा पेपर टू आपका, ठीक है, और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, यानी आप समझिए कि 75 मार्क्स में 150 क्वेश्चन, 3 घंटा का पेपर होगा, सभी क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होगा, पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है।
वहां पे ध्यान रखेंगे इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके अलावा भी अभी है आपको जीके जीएस, तो अलग चीज है, तो सिर्फ मैथमेटिक्स का हुआ, ठीक है। तो जीके जीएस का सिलेबस का मैं नेक्स्ट में करूंगा। तो आप इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।